Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Mubashar altaf. और आज जिस टॉपिक पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, आपके साथ एक पॉइंट ऑफ नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ, वो एक सवाल का जवाब है कि आखिर हमें नावल या पीस ऑफ आर्ट पढ़ के क्या मिलता है, स्पेशली नावल पढ़ के हम क्या गेन कर सकते हैं. मीन व्हाट वी गेट बाई रीडिंग अ नावल. सो व्हाट वी गेट बाई रीडिंग अ नावल, दैट इज़ टुडेज टॉपिक. तो इस सवाल के माय डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल के लाखों जवाब हो सकते हैं, लेकिन मैं उनमें से चंद पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ. ये मेरा या मेरा ये लेक्चर, ये जो वीडियो है, ये उन लाखों जवाबात में से सिर्फ एक जवाब है. तो आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं. बहरहाल ये आपके लिए मेरी एक कोशिश है कि आखिर एक क्लासिक नावल, एक अच्छा नावल जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा. आप चाहे उर्दू में नावल हो, पंजाबी में हो, इंग्लिश में हो, किसी भी ज़बान में आप जब नावल पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा. तो मेरे ख्याल में जो प्राइमरी पर्पस है पीस ऑफ आर्ट का, वो है क्रिएशन ऑफ ब्यूटी. और इस ब्यूटी का पर्पस है एस्थेटिक. सो नावल रीडिंग जो प्राइमरी चीज़ आपको दे सकती है, एक अच्छा नावल जब आप पढ़ते हैं, तो वो आपको देगी एस्थेटिक प्लेयर. ठीक है, वो आपको एंटरटेन करेंगे, क्योंकि राइटर जो होता है वो लैंग्वेज में डेफिनेटली एक एक्सपर्ट होता है. वो लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, वो न्यू फ्रेजेस, न्यू वर्ड्स भी समटाइम कॉइन करता है, या पुराने वर्ड्स को नए अंदाज में, नए एक्सप्रेशन यूज़ करता है. तो हमें उससे एस्थेटिक प्लेयर मिलता है, क्योंकि हम एक अनयूजुअल लैंग्वेज देख रहे हैं. उस देखें एक लैंग्वेज फुल ऑफ मेटाफर्स, फुल ऑफ सिमिलीज, ऑक्सीमोरन, इस तरह सिमिलैरिटीज़ एटसेट्रा, डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस जब एक खूबसूरत अंदाज इस्तेमाल होती हैं, तो ये हमारे दिमाग को, हमारे जहन को, जो हमारा जो एस्थेटिक सेंस है उसको सेटिस्फाइड करती है. तो सबसे पहले जो चीज़ हमें मिलती है वो, यानी हमें एक स्टोरी मिलती है, और स्टोरी के साथ लैंग्वेज एक्सपेरिमेंट्स मिलते हैं, उससे हमें खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, प्लेयर मिलता है. और दूसरी जो अहम चीज़ है जिससे हमें एस्थेटिक प्लेयर मिलता है, वो स्टोरी है. एक खूबसूरत कहानी हमें एंटरटेन करती है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और यही वजह है कि हम कई दफ़ा काफ़ी बल्कि नावल होते हैं वो हम फौरन से पढ़ डालते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल राजा गिद्ध बानो कुछसिया का एक बड़ा खूबसूरत वर्क है, जो मैंने जब पहली बार पढ़ा था तो मैंने स्टार्ट किया, तो उसे तीन दिन में मैंने पढ़ दिया, और कोई और काम नहीं किया, मैं बस नावल ही पढ़ता रहा, और छोड़ने को दिल नहीं था, और एक उसे कम्प्लीट करके ही मैंने दम लिया. आज तो वो नावल मैं तीन से चार दफ़ा पढ़ चुका हूँ. इसी तरह पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, जेम्स जॉयस, तो वो नावल भी मैंने तीन दिनों में पढ़ा. आल तो काफ़ी मुझे उस पहली बार जब मैं पढ़ा तो मुझे उसमें नए वर्ड्स भी मिले, नई चीज़ें भी मिली, और मुझे डिक्शनरी भी कंसल्ट करनी पड़ी. और इस तरह राजा गिद्ध को पढ़ते हुए भी मुझे उर्दू के कई वर्ड्स ऐसे थे जिनको जानने का मौका मिला, और एक्सपर्ट से मैंने पूछा कि इसका क्या मतलब है. तो इस तरह हमें एंटरटेनमेंट मिलती है, सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है. दूसरी चीज़ जो इसके साथ अब ऐड हो गई है मेरी बात करते हुए, वो ये है कि वी गेट लैंग्वेज. सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि हम नावल जब पढ़ते हैं तो हमें लैंग्वेज मिलती है, हमारी लैंग्वेज इन्हेंस होती है. अगर हम उर्दू का नावल पढ़ रहे हैं तो हमें उर्दू के नए एक्सप्रेशन मिलेंगे, ओल्ड एक्सप्रेशन का न्यू यूज़ मिलेगा, नए वर्ड्स मिलेंगे, नए फ्रेजेज़ मिलेंगे, हमारी लैंग्वेज एनरिच हो जाएगी, क्योंकि एक एवरेज स्पीकर की लैंग्वेज इतनी ज़्यादा एनरिच नहीं होती. तो अगर जब हम नावल पढ़ते हैं तो नए वर्ड्स, नए जाविये हमें हम पर डिस्कवर होते हैं, वर्ड्स का नया इस्तेमाल, डिफरेंट सिचुएशन में हमें पता चलता है, तो हमारी वोकेबलरी बढ़ती है, हमारी लिंग्विस्टिक्स अनकॉन्शियसली हम उसमें एक्सपर्ट होना शुरू हो जाते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इसी तरह जब हम इंग्लिश का नावल पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारी इंग्लिश का लेवल है वो रेज हो जाएगा. एक नावल मेरा ख्याल है कि आपको आपकी इंग्लिश 10 गुना ज़्यादा आगे कर देता है, आप 10 गुना जंप कर जाते हैं जब एक क्लासिक नावल आप पढ़ते हैं. तो आप मेरा ख्याल है, एटलीस्ट ये सब्जेक्टिव व्यू है, कि आप अगर उसे पूरी ध्यान से रीडिंग करें विद कंप्लीट कम्प्रीहेंशन, तो मेरा ख्याल है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी. तीसरी चीज़ जो नावल की रीडिंग, एक आर्ट की रीडिंग हमें देती है, वो एक अनमैच्ड गिफ्ट है, और वो है क्रिटिकल थिंकिंग. नावल से हम ज़िंदगी, चूँकि नावल एक रियल लाइफ का एक पोर्ट्रेयल है,
तो ये हमें डिफरेंट एंगल्स देता है, ये हमें सोचने का तरीका बताता है। नावल जो कि प्रोज फॉर्म में एक बड़े दिमाग की एक एवरेज माइंड के साथ एक कम्युनिकेशन होती है। तो जब हम उसके साथ साथ चलते हैं तो हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो भी चार्ज हो जाते हैं। हमने जिस तरह से कभी सोचा नहीं होता, हम वैसा भी सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये हमें सोच देती है, ये हमें सोचने का तरीका देती है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग हमारी डेवलप करते हैं, जिसके बाद हम अपनी लाइफ के कई मामलों को पहले से बेहतर अंदाज में देखना शुरू कर देते हैं। हमने इर्द गिर्द की चीज़ों को दोबारा से डिस्कवर करना शुरू कर देते हैं और हमारी लाइफ का जो जो वैल्यूज़ हैं वो बेहतर हो जाती हैं। हमारे लाइफ का स्टैंडर्ड रेज हो जाता है, हमारी हमारे सोचने का अंदाज, हमारी नज़र जो है ना वो डिवेलप हो जाती है, एक निगाह हमें मिलती है, एक आय मिलती है, एक थर्ड आय हमारी डेवलप हो जाती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग, ये एनालिसिस करने का पावर जो है वो नॉवल रीडिंग से हमारी डेवलप होती है और ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो हमें एस्थेटिक प्लेयर मिलता है, हमें लैंग्वेज मिलती है और तीसरे नंबर पे हमें क्रिटिकल थिंकर मिलती है। चौथे नंबर पे अगर हम जाएँ तो डेफिनेटली हम नॉलेज भी गेन करते हैं। जब हम एक नावल पढ़ते हैं जो हमारे कल्चर से बिलोंग नहीं करता, जब हम जेनवा एचर का नावल थिंग्स फॉल अपार्ट पढ़ते हैं तो हमें अफ्रीकन कल्चर के बारे में पता चलता है, हमें एंशंट टाइम्स के बारे में पता चलता है जब हम हिस्टोरिकल नावल्स पढ़ते हैं, इसी तरह साइंस के बारे में पता चलता है जब कि न्यू आइडियाज़ क्या हैं साइंस फिक्शन के नावल्स जब हम पढ़ते हैं। तो डिफरेंट नावल्स जो हैं हमें अपनी सोसाइटी के बारे में पता चलता है और इसका मतलब है हमें कल्चर, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और डिफरेंट एरियाज जो हमने कभी देखे नहीं, कभी सुने नहीं, वो बातें जो मैंने की नहीं कभी, तो वो हमारे सामने आती हैं। तो ये हमें न्यू एक्सपीरियंस से हमें मिलता है। तो इसी से एक टच को ही बात वो आगे आ जाती है। जो पांचवी चीज़ हमें नॉवल हमारे अंदर डेवलप करता है तो वो है कि ये हमें एक्सपीरियंस देता है। ठीक है, नॉलेज के साथ ही हमें एक्सपीरियंस देते हैं। हम वो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं जो हम शायद लाइफ में खुद ना कर सकें। हम वो रोल देख सकते हैं, उस रोल एक डिफरेंट करैक्टर की नज़र से हम दुनिया को देख सकते हैं, डिफरेंट करैक्टर की नज़र से दुनिया को देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं उनके साथ, एक इमोशनल एक्सपीरियंस करते हैं, एक मेंटल एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ज़हनी तौर पे हमें ये डिफरेंट इमोशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस हम एक्सपीरियंस करते हैं, नावल और लिटरेचर की मदद से हम डिफरेंट रोल एक्सपीरियंस करते हैं, डिफरेंट रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। इससे हमारी जो कि तजर्बा ही आपकी आपका इल्म है, तो हमारा एक मेंटल एक्सपीरियंस जो है वो नावल की मदद से डेवलप हो जाता है। तो अगर हम इसको दोबारा से समराइज़ करें और वीडियो ताकि ज़्यादा लेंथी ना हो, तो मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल टू द पॉइंट रहूँ, शॉर्ट बात करूँ और क्लियर बात करूँ। तो ये थे कि हमें नावल हमें क्या देता है, ये पाँच चीज़ें हमें दे रहा है। नंबर वन, ये हमारा हमें एस्थेटिक प्लेयर देता है लैंग्वेज के थ्रू, स्टोरी के थ्रू। ये हमें लैंग्वेज देती है, नॉवल की रीडिंग हमारी लैंग्वेज डेवलप करती है। ठीक है, हमें न्यू वोकैबुलरी मिलती है, हमें न्यू एक्सप्रेशन मिलते हैं। नॉवल हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, हमें सोचना सिखाता है, हमें एनालिसिस करना देता है। और नॉवल की रीडिंग हमें नॉलेज भी देती है, कल्चर का नॉलेज देती है, अदर रिलीजन्स का नॉलेज देती है, अदर प्लेसेस का नॉलेज देती है, अदर पर्सन की थिंकिंग का नॉलेज देती है। और उसके अलावा ये हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ाता है। हम इसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस तो नहीं करते चीज़ों को, लेकिन एक मेंटल एक्सपीरियंस के थ्रू हम डिफरेंट रोल्स एक्सपीरियंस करते हैं, डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट एंगल्स एक्सपीरियंस करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस और डिफरेंट इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये चीज़ें नॉवल हमें देता है। तो आई होप कि ये मिनी लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपके साथ शेयर हो सकें। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।